भारतीय किसान संघ की मंडी इकाई ने मंडी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा है। किसान संघ ने किसानों को घटिया बीज परोस रही कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से उन मल्टीनेशनल कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है जो किसानों को घटिया बीज दे रहे हैं। भारतीय किसान संघ की मंडी इकाई के द्वारा इस संदर्भ में उपायुक्त मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया जिसमें उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाया है। भारतीय किसान संघ की मंडी इकाई के अध्यक्ष टेकचंद ठाकुर व उपाध्यक्ष रोशनलाल सैनी ने मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसानों को दिए जा रहे बीजों में धांधली करने के आरोप लगाए। जिला किसान संघ ने किसानों को कम दरों पर सस्ता व अच्छा बीज मुहैया करवाने की भी मांग केंद्र सरकार से की है। इस अवसर पर किसान सभा के कई पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम जिलाधीश मंडी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों की कुछ जनरल समस्याएं जैसे HTBT कपास, BT बैंगन और GM सरसों, इन सीड बीजों में कुछ ऐसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर करके इनको ग्लाइफोसेट नामक रसायन जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे जीन्स का इनमें कहना अनुवांशिकी से चेंज कर करके इनको इतना, और इंटरनेशनल कंपनी जो है इस काम को कर रही है। तो भारतीय किसान संघ की मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के सरकार इन क्या नाम पर गौर करें ताकि इन चीज़ों को रोक करके बीज जो है वो किसान को ऐसी एजेंसियों से गुणवत्ता युक्त बीज जो है वो किसानों को उपलब्ध कराया जाए ताकि किसान जो है वो अपनी आजीविका का साधन जो है सही मूल रूप से कर सके।